22 जून ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रतिष्ठा दिवस। इस अवसर पर आप सबों को मुबारकबाद। लद्दाख के सीमा में हमारा फौज का 20 जवान शहीद हुए हैं, उसको नमन कर रहे हैं। उसका परिवार परिजन को मेरा समवेदना है। आप लोग जानते हैं, जो विदेश में जब कोरोना फैल रहा था, उस वक्त जो भारतीय विदेश में थे वो हवाई जहाज से आ रहे थे। यहाँ तक कि विदेश का कुछ सैलानी भी भारत आ रहे थे। उस वक्त अगर थे भारत सरकार उन सभी यात्रियों को क्वारंटाइन करके टेस्ट करते, और उसमें से जो लोग कोरोना वायरस से इफेक्टेड थे उसको अलग करके उसका इलाज का प्रबंध करते, तो हमारा देश में कोरोना वायरस फैलने का मौका उसे नहीं मिलता। लेकिन ये काम सख्ती से सरकार नहीं कर सका, इस वजह से हमारा देश में कोरोना वायरस फैलने लगा। इस कोरोना वायरस जब फैल रहा था उसी वक्त हमारा देश का प्रधानमंत्री 24 मार्च को बिना कुछ सोचे समझे लॉकडाउन का घोषणा कर दिया। ये लॉकडाउन का करना जरूरी था और मकसद था, पहला मकसद था जो कोरोना वायरस को नियंत्रित करना, दूसरा मकसद था हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था में जो कमी है उसको दूर करना, और तीसरा मकसद था कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दवाई या वैक्सीन का जो ज़रूरत है उसका खोजबीन करना। ये काम तो हुआ नहीं, बल्कि ये लॉकडाउन के वजह से आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जो भूचाल आया इसका हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। देखा गया छोटा मोटा उद्योग धंधा एकदम बर्बाद हो गया। 12 करोड़ आदमी बेकार हो गया, और यहाँ तक कि जो किसान लोग फूल फल सब्जी मछली डेयरी एवं पोल्ट्री का काम में जुड़ा हुआ था वो लोग भी बर्बाद हो गया। सबसे ज़्यादा मुसीबत उस श्रमिक भाई पर आया जो लोग एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाकर के रोजी रोटी कमा रहे थे। जब लॉकडाउन हुआ उसका कामकाज बंद हो गया, खाने पीने का किल्लत हो गया, रहने का जो व्यवस्था था वो व्यवस्था उसका ख़त्म हो गया, तो वो घर आने के लिए उताला हुआ, सरकार से बार बार गुहार लगाने लगा या हम लोग को घर भेजो, लेकिन सरकार उनका बात को अनदेखी कर दिया। इस वजह से मजबूर होकर के श्रमिक लोग पैदल साइकिल से छोटा मोटा वाहन के जरिया हजारों किलोमीटर चल करके वो लोग अपना घर के तरफ रवाना हो गया। इस हालात में देखा गया कुछ श्रमिक भाई रास्ते में ही खाना पानी का कमी के वजह से दम तोड़ दिया, कुछ आदमी रेल से कुचला गया, कुछ आदमी एक्सीडेंट में मरा गया, इस तरह का हादसा होने लगा। तब सरकार मजबूर होकर के स्पेशल ट्रेन चलाने का बात किया, लेकिन वो स्पेशल ट्रेन चलाने का जो परिकल्पना लेना था ठीक से वो भी नहीं हो सका। इसलिए देखा गया जो स्टेशन में एक औरत मरी पड़ी है और उसका बच्चा उसको जगाने का कोशिश कर रहा है, इस तरह का भी दृश्य हम लोग को देखना पड़ा। दूसरा तरफ हम लोग ये भी देखें जो एकाएक प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए बोले ये 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज दिया जा रहा है, और इस पैकेज का स्वरूप क्या होगा वो अर्थमंत्री 5 दिन लगातार भारत के आदमी के सामने में उसको रखा। लेकिन हम लोग देखें इस पैकेज में ना कोरोना से लड़ने के लिए, या जो श्रमिक लोग बेकार हो गया है, जो लोग काम काज बंद हो गया है, जिसका उसका खाने पीने रहने का
जो संसाधन का जरूरत है उसके लिए जो आर्थिक पैकेज होना था वो बहुत ही कम हम लोग को दिखाई पड़ा, बल्कि ये पैकेज के नाम पर कोरोना को ढाल के हिसाब से इस्तेमाल करके जो काम केंद्रीय सरकार किया वो ये था, जो खदान से लेकर स्पेस तक, कृषि, कल कारखाना, बैंक, सबको कॉरपोरेट हाउस के हाथ में सौंप देने के लिए जो कानूनी परिवर्तन का जरूरत था वो काम भली भांति ये सरकार किया। इसके वजह से देखा जा रहा है जो कृषक बर्बाद होगा, छोटा मोटा कल कारखाना व्यवसाय में जो लोग अपने को इंगेज रखा है उसका तकलीफ और भी बढ़ेगा। ये हालात के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान को, अवाम को एकजुट होकर के लड़ना होगा। और हम लोग को ये भी दिखाई पड़ा कि ये लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रहा था, दूसरे तरफ अम्फान होने के वजह से ये कठिनाई और भी बढ़ गया और भी आदमी कठिन परिस्थिति से गुजरने लगा। इस हालात में ज़रूरत था ये केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार मिल करके उसके कठिनाई को दूर करने का काम करे, लेकिन देखा गया जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार आपस में लड़ने लगा, जो आदमी का खाना नहीं था, जिसका घर उजड़ गया था, जिसका खेती बर्बाद हो गया था, जिसका काम चला गया था, उस आदमी के पास खड़ा होने का काम ये केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार कोई नहीं किया। बोल के पश्चिम बंगाल का आदमी ये कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, इसका बारे में वामपंथी दल बार बार राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को बताने का कोशिश किया, जो आप लड़ाई बंद कीजिए, आपका जो संसाधन है इस संसाधन को लेकर के अवाम के पास जाइए, अवाम को मदद पहुंचाइए, लेकिन उसको अनसुनी कर दिया। यहाँ तक हम लोग को देखने में मिला जो गवर्नर और राज्य सरकार एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगा, जहाँ पर ज़रूरत था जो गवर्नर और प्राइम मुख्यमंत्री मिलकर के काम करता वहाँ पर दोनों आदमी झगड़ा करने लगा और आए दिन ये मीडिया का हेडिंग बनने लगा। दूसरे तरफ हम लोग को इस दौरान ये भी दिखाई पड़ा जो कलकत्ता पोर्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम कर दिया। आप लोग सबको ही जानते हैं जो कलकत्ता पोर्ट के अंदर में नेताजी डोक है और नेताजी का सर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बैठा दिया गया। इससे पश्चिम बंगाल और पूरा भारत का, नेताजी का जो लोग मानने वाले हैं वो बहुत ही आहत हुए हैं, बहुत गुस्सा में हैं। ये लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं जो इस तरह से नेताजी को, भारत का अवाम को, पश्चिम बंगाल को क्यों अपमान किया गया, इसका जवाब केंद्रीय सरकार और उसका दल बीजेपी को देना होगा। हम आपसे यही फरियाद कर रहे हैं जो ये केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो गरीब मजदूर मेहनत कश आदमी को परेशानी में डाल रहा है, उसके लिए काम नहीं कर रहा है और ये कोरोना को ढाल हिसाब से व्यवहार करके आपका कठिनाई बढ़ा रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, आप सब लोग आइए। नेताजी का बना हुआ आज़ाद हिंद फौज का जो नारा था, एकता, विश्वास, बलिदान, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ें और ये नापाक साजिश के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई करें। यही बात बोल करके सबको धन्यवाद नमस्कार देते हुए जय हिंद।